हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका आईएएस ऐप। आज हम लोग इकोनॉमी की कुछ चीज़ों को देखते हैं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं और बट उसके बारे में डिटेल हमें जानकारी नहीं होती है और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। यह इकोनॉमी इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी क्रम में एक वर्ड हम लोग देखते हैं कि प्रायः चाहे वह कोई भी खाद्य पदार्थ हो, कोई भी फूड आइटम्स होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि उस डब्बे पर FSSAI लिखा रहता है, वरी डिजाइन से लिखा होता है। तो वह क्या है, FSSAI क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या काम है, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके कितने रीजनल ऑफिसेस हैं, कितने इंडिया में इसके लेबोरेटरीज हैं, आदि तमाम चीज़ें। अब यहीं पर लगता है कि कुछ चीज़ें हमारा देखा समझा हुआ है, बट उसमें अगर थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग फंस जाते हैं। तो थोड़ी सी डेप्थ में जाकर के चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल FSSAI है क्या, तो FSSAI हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। इसमें हो सकता है कभी काल ऐसा भी होता है कि इसमें यह पूछ दे कि इसमें ए स्टैंड फॉर व्हाट, ए किस लिए आया है, या फिर फर्स्ट एस स्टैंड फॉर व्हाट। तो फर्स्ट एस है आपका सेफ्टी है एंड सेकंड स्टैंडर्ड है, एफ आपका फूड हो गया, फिर अथॉरिटी हो गया और इंडिया हो गया, ठीक है। तो यह हो गया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वायत्त संस्था है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, यह क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। और यह इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया था, फूड मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया 2006 में आया और फिर यह 2011 में इसका फॉर्मेशन हुआ फाइनली। तो इस एक्ट के तहत ही, इस एक्ट के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया। ऐसी कोई फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर के तहत नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या हेल्थ एंड वेलफेयर के तहत आता है, ठीक है। यह FSSAI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के तहत आता है। तो ऑब्वियसली इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग। इसका एम्स क्या होगा, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ऑफ हेल्थ, ठीक है, HALTH हेल्थ, ठीक है, हेल्थ इश्यूज को, ठीक है, उसका क्या करना है, पब्लिक हेल्थ को उसको कंट्रोल भी करता है या और रेगुलेट भी करता है, रेगुलेशन एंड सुपरविजन, ठीक है। इसका क्या करता है या रेगुलेशन एंड सुपरविजन, ठीक है। क्वेश्चन अगर डिटेल में आ जाए आप लोग कर लेंगे। जो यह जो FSSAI है, इसका काम है
चीजों को प्रोटीन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग, प्रोटेक्ट भी कर रहा है एक तरफ तो दूसरी ओर प्रमोट भी कर रहा है। केवल प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि प्रमोट करना भी है, क्या ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, हेल्थ पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर एंड ओवरऑल क्या है इसका, रेगुलेशन करना, रेगुलेट करना और सुपरविजन करना, ठीक। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है। कब एस्टेब्लिश हुआ हम लोग देख लिए, 2006 में एक्ट आया है, इसमें फॉर्मेशन हुआ है 11 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और साथ ही इसके रीजनल सेंटर है। तो इस रीजनल सेंटर को भी कई बार पूछ देता है, तो रीजनल सेंटर में गुवाहाटी है, नॉर्थ ईस्ट से ले हम लोग ऊपर से लेते हैं, गुवाहाटी गुवाहाटी हो गया। दूसरा कोलकाता हो गया, कोलकाता हो गया। तीसरा आपका चेन्नई हो गया, चेन्नई, कोचीन हो गया, ठीक है, और चेन्नई कोचीन मुंबई हो जाएगा, ठीक है, और दिल्ली हो जाएगा मुंबई, यानी आपका सारा मेट्रो सिटी मुंबई एक है, फिर दिल्ली भी है इसका रीजनल सेंटर के रूप में, का हेडक्वार्टर तो है ही, रीजनल सेंटर भी इसका दिल्ली है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके ये रीजनल सेंटर हो गए, 6 रीजनल सेंटर हो गए, साथ ही इसके 72 स्टेट्स, 72 स्टेट्स नहीं, मतलब हमारे जो भी स्टेट्स एंड यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें 72, ये तो 6 रीजनल सेंटर हो गया, कितने हो गए, 6 रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर, ठीक है, डन। 72 इसके लेबोरेटरीज हैं, लेबोरेटरीज कितने हैं, 72 हैं, जो कि हमारे स्टेट्स और यूटी में डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। एक इसका पटना में भी सेंटर है, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है, खाद्य पदार्थ है, तो उसके लिए लाइसेंस वगैरह लेना है अगर बिहार में, तो लोग पटना में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हमारा FSSAI से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर है, ठीक है। इसी टाइप से कुछ अन्य चीज़ों को, MMTC को, कि MMTC क्या है, इसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं आगे। फिर इसके बाद GI क्या है, ज्योग्राफिकल जो इंडेक्स होता है वह क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स वह क्या है, तो GI को भी हम लोग देखते हैं, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। बिहार से कौन कौन से GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में कौन कौन सी वस्तु या सर्विसेस, क्या सर्विसेस आएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करते हैं, GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, और बिहार से कौन कौन से वस्तुओं को GI मिला हुआ है, GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स मिला हुआ है, ठीक है। MMTC को देखते हैं, और भी चीज़ें हैं जैसे फॉरवर्ड मार्केटिंग कमीशन है, इसको हम लोग देखते हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको हम लोग देखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां से क्वेश्चंस जनरली बनता है। यह छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जिसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंडियन इंडस्ट्री के या इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। ओके, तो पेज भर गया है, आगे हम लोग देखते हैं।